टैक्स चोरी के बड़े मामले पनामा पेपर्स लीक में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के नाम के खुलासे के बाद से इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कहीं इस्तीफा तो कहीं जांच के आदेश। गैरकानूनी निवेश के आरोपों से घिरे आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पनामा पेपर्स को अब तक सबसे बड़ा लीक खुलासा बताया जा रहा है। इससे पहले ही वैश्विक स्तर पर भी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अघोषित आय और कालेधन की समस्या से निपटने के प्रयास पर मंथन भी किया और कार्य योजना भी बनाई। पनामा पेपर्स लीक के जरिए जब से दुनिया भर की नामी हस्तियों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, तब से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। खुलासे के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमुंडू डेविड बने ने जहां अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं तमाम और देश कार्रवाई की बात कह रहे हैं। फ्रांस ने OECD से अपील की है कि खुलासे के बाद पनामा को कर चोरों की पनाहगाहों की सूची में डाला जाए। फ्रांस के वित्त मंत्री मिशेल सेपिन ने कहा कि OECD की बैठक होनी चाहिए ताकि सभी संबद्ध देश फ्रांस की तरह फैसला करें। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है कि विदेश में उनके खाते पूरी तरह पारदर्शी हैं और उसमें टैक्स चोरी का कोई मामला नहीं है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने भी कहा है कि वो दस्तावेजों को मंगाकर उसकी जांच कराएंगे। उधर फीफा के प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो ने भी पनामा टैक्स चोरी मामले में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पनामा पेपर्स खुलासे से सुर्खियों में आई विधि कंपनी के संस्थापकों ने कहा है कि उनकी कंपनी को विदेशी सर्वरों के जरिए हैक किया गया है और मोज़ेक फोंसेका ने इस मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। दुनिया के तमाम बड़े नेता जहां इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश की कांग्रेस से व्यावसायिक कर सुधारों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने भी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का ऐलान किया है। I own no shares. I have a salary as Prime Minister, and I have some savings, which I get some interest from, and I have a house which we used to live in, which we now let out while we're living in Downing Street, and that's all I have. I have no shares, no offshore trusts, no offshore funds, nothing like that. And so that, I think, is a very clear description. We've had another reminder in this big dump of data coming out of Panama that tax avoidance is a big global problem. It's not unique to other countries because, frankly, there are folks here in America who are taking advantage of the same stuff. Here in the United States, there are loopholes that only wealthy individuals and powerful corporations have access to. They have access to offshore accounts, and they are gaming the system. मैंने एक आला सती अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है और इल्जामात में कितना वजन है। वहीं आइसलैंड में पीएम के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्री जोहानसन प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि पनामा स्थित लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका के दस्तावेज को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जारी किया है। इनमें करीब 1,10,00,000 दस्तावेजों का खुलासा किया गया है। इसके मुताबिक दुनिया के 72 मौजूदा या पूर्व राष्ट्र प्रमुखों ने फर्जी कंपनी बनाकर पैसा रखा। इसमें भारत के भी करीब 500 लोगों का नाम शामिल है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पनामा पेपर्स के खुलासे के 2 दिन बाद कहा है कि टैक्स चोरी से बचने के ये तरीके दुनिया भर के लिए समस्या हैं। इनमें से बहुत से खाते और कंपनियां कानूनी हैं, मगर समस्या तो यही है। भारत सरकार ने भी इसकी जांच के लिए एक समूह का गठन किया है, जिसमें कई एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया है। पाकिस्तान में भी इसकी न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है। पनामा पेपर्स के नाम से लीक हुए दस्तावेजों की भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा है। दरअसल इन दस्तावेजों में जिस चीज का जिक्र है वो है टैक्स बचाने के लिए खोले गए विदेशी खाते। ये विदेशी खाते अधिकतर ऐसे देशों में रखे जाते हैं जिन्हें टैक्स हेवन माना जाता है। माना यह जाता है कि इन खातों का उपयोग पैसे को अपने देश के बैंकिंग सेक्टर से बचाकर देश से बाहर ले जाने और टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। हालांकि इस पर रोक के लिए दुनिया भर में कई कानून हैं। काले धन पर रोक और विदेशों में जमा पैसे की पारदर्शिता को लेकर वैश्विक स्तर पर G20 और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता के संबंध में बन रहा वातावरण कर चोरी का फायदा उठाने वालों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर मजबूर कर देगा। भारत सरकार ने भी अघोषित विदेशी आय और देश में छिपे काले धन के खुलासे के लिए कई कदम उठाए हैं।
काले धन पर सरकार के उठाए गए कदम, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबी शाह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए पिछले साल सरकार ने 90 दिन का समय दिया था, जिसके दौरान 638 लोगों ने 3,770 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। सरकार ने इस बार के बजट में नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत जून से 4 महीने तक के लिए कोई भी भारतीय अपनी अघोषित संपत्ति को कर व जुर्माने सहित कुल 45% राशि का भुगतान कर बाकी 55% रकम को सफेद कर पाएगा। इस बीच सरकार ने पनामा केस की जांच के लिए मल्टी एजेंसी जांच के आदेश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका आग्रह किया है कि इस पे पूर्ण रूप से सरकार कार्रवाई करे और जो जो इसमें से अवैध माने जाएंगे उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है अलग अलग विभाग उस संबंध में करने वाले हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि हम पनामा पेपर्स पर बनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हैं। हम यह देखेंगे कि क्या कानूनी है और क्या नहीं। We are obviously part of the investigative team that is going to look into these matters. It is important to note that there are legitimate reasons also to have accounts outside. The LRS scheme allows you to take money out. We have to see what is legitimate and what is not legitimate, but that's a process of investigation that will take place. भारत सरकार की जांच इन खुलासों के दायरे को क्या और विस्तार देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पेपर लीक में जिन हस्तियों की वित्तीय लेनदेन का खुलासा हुआ है, क्या ये पूरी तरह गैर कानूनी है? न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।